न्यूज और आपके साथ मैं हूँ क्रांति सिंह। आपको बता दें कि मैनपुरी चुनाव को लेकर के लगातार जो मुद्दे उठते आए हैं, जो मुद्दों पर बात की जा रही थी, और उन्हीं मुद्दों के बीच में जो है ये चीजें भी बिल्कुल साफ हो गई है कि यहाँ पर एक तरफ से जो सटीकनेस जो है वो देखी जा रही थी कि यहाँ पर लगातार जो मुद्दे उठते हुए आए थे कि यहाँ किस तरीके से जो है शाक्य समाज का दबदबा जो है वो देखने को मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डिम्पल यादव जिस शाक्य समाज के दबदबे को देख करके हार रही थी, डर रही थी, और डर का वो भाव देखने को मिल रहा था कि कहीं नेताजी की विरासत को ना खो दे, कहीं नेताजी की उस विरासत से जो है वो दूर ना चले जाए। देखिए, उस चीज को देखने के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि यहाँ पर जो है सीटों की गिनती को लेकर के जो ये समीकरण बना, उस समीकरण के बाद जब जैसे ही यहाँ पर जो एक छोटी सी गलती शाक्य से हो गई, एक छोटी सी गलती रघुराज ने की, उस रघुराज की गलती आज भाजपा के ऊपर इतनी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है कि हर किसी को लग रहा है कि भाजपा इसको लेकर के कोई कदम जरूर उठाएगी। क्योंकि देखिए, अभी नामांकन वापस लेने का समय तो अब बहुत कम रह गया है, और देखा जाए तो 5 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, 5 तारीख आने में बेहद ही कम समय का समय बचा हुआ है, और ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो है रघुराज के बजाय किसी और नेता पर भी जो है दांव खेला जा सकता है, क्योंकि रघुराज के नाम की पर्ची तो जनता ने फाड़ दी है। अब इस पर्ची को अर्जी में बदलने के लिए जो है भाजपा अपनी तरफ से कोई कदम उठा सकती है। ये कदम किस पर उठाएगी, क्या अपर्णा यादव को दोबारा से चुनावी मैदान में उतारेगी या फिर यहाँ पर कोई और खेला करेगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन देखिए, इस चुनावी माहौल के बीच में रघुराज को लेकर के इतनी बड़ी कयासे लगना, इतनी बड़ी खबरें सामने आना इस बात की गवाही दे रहा है कि आज रघुराज का टिकट जो है भाजपा ने काट करके गलत कर दिया, क्योंकि जनता ने भी उनका टिकट काट दिया। और जनता को अब ये पसंद नहीं आ रहा है कि कोई एक ऐसा शिष्य जो अपने ही गुरु के बगावत में खड़ा हो रहा हो, हमें नहीं चाहिए ऐसा नेता। एक ऐसा नेता जो अपने गुरु की यहाँ पर ख्वाहिश नहीं पूरी कर सका, अपने गुरु के चरणों में नहीं समर्पित हो सका पूरी तरीके से, वो हमारे लिए क्या काम करे, वो तो अपने फायदे के लिए ही सोचेगा। जब अपना फायदा सोच के भाजपा में चला गया तो कहीं और भी जा सकता है। बहरहाल, इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग के क्या तर्क कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SBI9 न्यूज़।